मिमिक्री और राहुल गांधी आजकल कैमरामैन की भूमिका में बहुत एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये श्रीमान जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है। हम हरियाणा राजस्थान के लोगों को जब ये पाप को हमने अपनी आंख से देखा तो हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा आघात। एक व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, एक संस्था का अपमान किया, भारत का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। अब डीएनए का बड़ा फर्क है जी, बुद्गिल जी, डीएनए का भी बड़ा फर्क। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़, मैं सतनाली गांव में रहता हूं और श्रीमती सुदेश धनखड़ मेरी आदरणीय बहन है और महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे पावणा जी हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज वो भारत के सर्वोच्च महामहिम उपराष्ट्रपति पद की गरिमा संभाल रहे हैं। ये हम सब लोगों का कोई कसूर नहीं है। चौधरी देवीलाल 6.25 फुट के थे, मेरी हाइट 6.25 फुट है, आधा इंच बिहार की जेल में रहने से थोड़ा कम हुई। बीजू पटनायक रोहतक जेल में हमारे साथ थे, उनकी हाइट 6.5 फुट थी। ये लंबा होना कोई हमारे हाथ में तो है नहीं। जगदीप धनखड़ मेरे पड़ोस में किठाणा गांव में पैदा हुए, किसान के घर में। हम सब ने सरकारी स्कूलों से प्राइमरी मैट्रिक पास किया। भारत सरकार में श्रीमान जगदीप धनखड़ चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, राजस्थान में एडवोकेट जनरल रहे भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में, और बंगाल जैसे प्रांत में गवर्नर रहे, जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों के सहारे कुछ लोग सरकार चलाते हैं, वहां महामहिम राज्यपाल के नाते रिक्शा में बैठ करके जहां कार्यकर्ताओं को जला दिया जाता था, वहां इन्होंने कानून व्यवस्था को बहाल कराया, आज उपराष्ट्रपति हैं। उनके बारे में कल्याण बनर्जी टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट ने और राहुल गांधी ने जो पाप किया है, जो मिमिक्री, और राहुल गांधी आजकल कैमरामैन की भूमिका में बहुत एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये श्रीमान जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है। हम हरियाणा राजस्थान के लोगों को जब ये पाप को हमने अपनी आंख से देखा तो हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा आघात लगा।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की गाली देते देते 10वां साल लग गया और राहुल गांधी का तो ये स्वभाव बन गया, विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना, भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना, भारत के प्रजातंत्र की आलोचना, विदेशियों को आह्वान करना कि भारत में आओ, हमको बचाओ, अमेरिका में जाकर के आईएसआई के इशारे पर जो आतंकवादी संगठन बहन चलाती है उसके आयोजन में भारत की आलोचना करना, इन्होंने एक व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, एक संस्था का अपमान किया है, भारत का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, भारत के 140 करोड़ आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है, आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता हिंदुस्तान है, इतना निंदनीय कार्य किया है। अब डीएनए का बड़ा फर्क है जी, मुदगिल जी, डीएनए का भी बड़ा फर्क है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।